प्यार मोहब्बत भरी है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है, मिस्री से भी मीठी है जो, वह हमारी हिंदी भाषा है। नमस्कार दोस्तों, आज 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस है और आज हम और आप मिलकर एक ऐसे धागे का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने हमें और आपको एक सूत्र से बांध दिया है। वह धागा है हिंदी भाषा का। भारतीय नागरिक होने के साथ साथ हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और हो भी क्यों ना, हिंदी भाषा पर गर्व करने के अनेकों कारण हैं, जैसे कि हिंदी भाषा आज भारत में 40 करोड़ लोगों के संवाद का साधन बनी हुई है। हिंदी भाषा विश्व भर में करीब 150 देशों ने हिंदी भाषा का सम्मान करते हुए उसे अपनाया है। अमेरिका, जर्मनी, मॉरिशियस और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देशों ने भी हिंदी भाषा को अपना लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया जिसमें 2050 वर्ष तक सबसे शक्तिशाली बनने वाली भाषाएं शामिल थीं। और आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि हिंदी उनमें टॉप 10 भाषाओं में शामिल थी। आपको यह भी जानकर बेहद हैरानी होगी कि भारत में हिंदी भाषा के कंटेंट की मांग अंग्रेजी भाषा के कंटेंट से 5 गुना ज़्यादा है। इंटरनेट की दुनिया में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में यूनिकॉर्ड ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2050 तक हिंदी विश्व की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक बन जाएगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा आज बाजारों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी एक अहम भूमिका निभा रही है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे दुनिया में हर छठा आदमी समझता है और पहचानता है। हमारी मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी, स्पैनिश और मैंडरिन के बाद चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अंग्रेज़ों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज का अवार्ड दिया क्योंकि हिंदी भाषा में जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। हाल ही में ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में करीब 500 नए शब्द जोड़े गए हैं जिसमें से 240 शब्द हिंदी भाषा के ही हैं, और वो शब्द ऐसे शब्द हैं जिसे आप और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द शामिल हैं जिसको अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा में बहुत ही सम्मान के साथ अपनाया है। जैसे कि आप हॉलीवुड की बहुत ही प्रसिद्ध पिक्चर अवतार को तो जानते ही होंगे। अवतार हमारी हिंदी भाषा से लिया हुआ ही शब्द है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा माँ के समान है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आज के हिंदी समाचार यहीं तक। धन्यवाद।